आजादी की गाथाओं एवं इतिहास के पन्नों में विशेष स्थान रखने वाले ब्यावर शहर ने 186 वर्ष का सफर तय कर लिया है। लेकिन आज बदलते समय के साथ जहां शहर का विस्तार हुआ, वही शहर में स्थापित विरासतें अपने मूल स्वरूप बदलने लगी है। लेकिन इन विरासतों को संजोने का कार्य करने का कोई भी प्रयत्न नहीं कर रहा है, जिसका परिणाम शहर अपना मूल स्वरूप दिन ब दिन खोता जा रहा है। कर्नल दीक्षा ने भले ही शहर को सुनियोजित मापदंड से बसाया हो, लेकिन नगर परिषद की उदासीनता के चलते आज अतिक्रमण उसे सुनियोजित शहर के लिए नासूर बन चुके हैं। ऐतिहासिक महत्व रखने वाली इन विरासतों को संजोने के लिए अब शहर को जागरूक होने की आवश्यकता है। ब्यावर की बसावट के समय कर्नल दीक्षा ने सुरक्षा की दृष्टि से शहर के चारों ओर परकोटे का निर्माण करवाकर चार मुख्य गेटों का निर्माण करवाया। समय के परिवर्तन के साथ लोगों ने परकोटे पर अतिक्रमण कर लिया। आज अधिकांश जगह परकोटे का नामो निशान तक मिट चुका है, जहां है वह किसी मकान या दुकान की दीवार में समा चुका है। रही सही जगह जहां परकोटा बाहर है, वह जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है। लेकिन इस विरासत को संजोने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। और तो और शहर की शोभा बढ़ाने वाले चारों मुख्य द्वार अजमेर गेट, चांग गेट, सूरजपुल गेट व मेवाड़ी गेट पर भी रोक के बावजूद बेधड़क विज्ञापन आदि चिपकाते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं कर पाता है। ब्यावर स्थापना के बाद सन 1890 में शहर के बीचों बीच अजमेरी गेट एवं मेवाड़ी गेट के मध्य दीक्षण छतरी का निर्माण करवाया गया, जो करीब 83 वर्षों तक कायम रही। उसके बाद 1958 में दीक्षण छतरी को वेल टावर का स्वरूप प्रदान किया, लेकिन समय की मार के चलते मौके से टावर हटा दिया गया। 1972 में टावर के स्थान पर प्रशासन ने खंभे पर रोशनी के लिए 5 लाइटें लगाकर उसे 5 बत्ती का रूप दिया। समय के साथ फिर स्वरूप बदला और एक छतरी खड़ी कर उसे एकता सर्किल का नाम दिया गया, लेकिन ये भी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। सन 2005 में शहर के ही कुछ लोगों ने यहाँ पर रातों रात भारत माता की प्रतिमा स्थापित कर दी, जो अब भारत माता सर्किल के रूप में जाना जा रहा है। अपने प्रतिष्ठान के विज्ञापन पर पाइए आकर्षक ऑफर। जय स्काई चैनल पर आज ही अपने प्रतिष्ठान का विज्ञापन देवे और पाइए आकर्षक ऑफर। 2 माह के विज्ञापन पर अतिरिक्त 1 माह फ्री। ऑफर सीमित समय के लिए, तो आज ही संपर्क करें मोबाइल नंबर 9829050867।